साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि एक और कार्यक्रम की वजह से मैं यहां देर से पहुंचा हूं और मुझे इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि मैं अक्सर आपकी जगह पर बैठा हूं तो मुझे मालूम है कि बहुत लंबे समय तक अगर आप स्पीकर को सुन रहे होते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुजारिश है आपसे कि थोड़ा मुझे भी झेल लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रांतिकारी इस्तकबाल, आपको जय भीम और लाल सलाम करता हूँ। और आज जो ये गोष्ठी रखी गई है मांस निर्यात के विरुद्ध, इस दौर में तमाम तरीके की बातें हो रही हैं लेकिन वो बात नहीं हो रही जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है कि गंगा को बचाना है, गाय को बचाना है, लव जिहाद को रोकना है, घर वापसी कराना है और हिंदुओं के कम से कम 10 बच्चे पैदा करने हैं। ये तमाम ज़रूरी मसले बन गए हैं इस देश के अंदर। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चुनाव के दौरान जो लंबे लंबे तकरीर दिए गए और कहा गया कि विकास होगा, महंगाई कम की जाएगी, तमाम लोगों को 15 लाख रुपया मिलेगा और जो वो सब बुनियादी सवाल, बलात्कार समाज में रोके जाएंगे, कालाबाजारी को ख़त्म किया जाएगा, ये सारे जो मसले थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मसला बन गया है वो ये है कि कौन असली गौरक्षक है, कौन नकली गौरक्षक है, ये तय करना है। अभी मैं रास्ते में आते हुए अखबार पढ़ रहा था, अखबार में हरियाणा सरकार का एक निर्णय है कि गौरक्षकों को असली आई कार्ड दिया जाएगा और उससे फ़र्क कर पाएगी पुलिस कि कौन असली गौरक्षक है और कौन नकली गौरक्षक है। बहुत खूब। आज ही की खबर है कि आंध्र प्रदेश के अंदर फिर से दलितों को नंगा करके पीटा गया है और वो लोग गाय, मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे। ये सब कुछ जो सब हो रहा है हमारे आसपास, उसको थोड़ा सा पीछे जाकर के हमको समझने की ज़रूरत है। और जब थोड़ा पीछे जाते हैं तो इतिहास में कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं हमारे सामने। वो क्या है? इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो गैर बराबरी की है, छुआछूत की है, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार का है। लेकिन आप देखेंगे कि अचानक से 1990 के बाद और ख़ास करके 2000 के बाद जो सबसे बड़ी समस्या बन गई, वो समस्या बन गई आतंकवाद की। जो सबसे बड़ी समस्या बन गई वो इस्लाम की। ये समस्या आखिर बनी क्यों? हमारे यहाँ एक कवि हुआ करते थे, विद्रोही जी, वो कहते थे कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। तो ये समस्या बनी नहीं, समस्या बनाई गई है। ये समस्या क्यों बनाई गई? ये समस्या इसलिए बनाई गई है ताकि इस हॉल में बैठ करके आज जिस मसले पे हम संगोष्ठी कर रहे हैं, इसकी जगह हम किसी और मसले पे संगोष्ठी कर रहे होते। जो असली सवाल है वो सवाल अक्सर हमारे नज़रों से हटाने की कोशिश की जाती है। आप देखिए कि जब सरकार चुन करके आई तो सरकार ने अपने तमाम वादों को पीछे छोड़ दिया और पहला साल डेडिकेट किया गंगा माता के नाम, दूसरा साल डेडिकेट किया अपनी माता के नाम, तीसरा साल डेडिकेट किया है गाय माता के नाम, चौथा साल डेडिकेट करेंगे किसी और माता के नाम। माताओं से कोई दिक्कत नहीं है, माताओं की इज्जत होनी चाहिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन महिलाओं के प्रति इनका क्या नज़रिया है? खुद मोहन भागवत साहब कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इनके एक एक फैसले कैसे महिला विरोधी हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हाल में ही इन्होंने एक वरिष्ठ नेता को किस शब्द से नवाजा, मुझे उस शब्द से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस देश के अंदर चोर और बेईमान होने से ज़्यादा अच्छा है मेहनत करके काम करना, मेहनत करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करना। मुझे उस शब्द से दिक्कत नहीं है, मुझे उस सोच से दिक्कत है जिस सोच में इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता है और इस बात के लिए लोगों को बार बार प्रताड़ित किया जाता है कि आपकी अमुक जाति है और आपका अमुक धर्म है। मसला क्या है? मसला ये है कि जो भूख का सवाल है, जो लोगों के रोजगार का सवाल है, जो लोगों के जीवन में उन्नति और प्रगति का सवाल है, उस सवाल पे कोई चर्चा नहीं हो। चर्चा किस पे हो? जाति और धर्म पे। चर्चा किस पे हो? गाय और गोबर पे। चर्चा किस पे हो? शाकाहारी और मांसाहारी पे। अभी
आरएसएस की तरफ से एक बयान दिया गया कि जो हिंदू होते हैं वो मांस नहीं खाते। सही बात है, लेकिन अभी जो एक आर्टिकल आया है देवधर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि खुद मोहन भागवत साहब संघ का प्रमुख बनने से पहले मांस खाया करते थे, ये क्या है? हम ये नहीं कहते कि किसको मांस खाना चाहिए किसको मांस खाना नहीं चाहिए, हम ये कहते हैं कि खान पान के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं जो जो खाना चाहता है वो खाए, जो जो नहीं खाना चाहता है वो ना खाए, जो पहनना चाहता है वो पहने, जो ना पहनना चाहता है ना पहने। किसी के ऊपर भी अगर धोती थोपा जाए या बुर्का थोपा जाए, ये दोनों खतरनाक है। जमहूरियत के लिए इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम इंसान हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर जहन है, हम सोच सकते हैं, तो हम ये तय कर सकते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये किसी और को तय करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का काम है बजट बनाना, आप बजट बनाइए, महंगाई के खिलाफ नीतियाँ बनाइए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतियाँ बनाइए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए नीतियाँ बनाइए। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप असली गौरक्षक और नकली गौरक्षक को आई कार्ड बांटें, इसलिए आपके पास लोगों ने वोट नहीं दिया। और क्या है, कैसी परिस्थिति है, पूरी दुनिया के अंदर लोग मांस खाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मांस लोगों को खा रहा है। आप देखिए कि कहीं भी जो अपने आप को कहता है कि हम एक आधुनिक समाज की संरचना बना रहे हैं, हम एक बराबरी के समाज की संरचना बना रहे हैं, वहाँ खान पान सवाल नहीं होता है, वहाँ लोगों के जो असली मिसाइल हैं उस पर चर्चा होती है। लेकिन इस देश में किन मुद्दों पर चर्चा हो रहा है? और ऐसे माहौल में बस एक बात मैं कह सकता हूँ कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। आप देखिए कि किस तरीके से एक इंसान को जिंदा मार दिया जाता है और फिर यह कहा जाता है कि वो इंसान तो मर गया लेकिन उसके परिवार में जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर अदालती कार्रवाई चलनी चाहिए, उनके ऊपर केस और मुकदमा होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो उसको रोकने का काम पुलिस का है, उसको रोकने का काम किसी तथा कथित स्वघोषित देशभक्त या गौरक्षक का नहीं है। उसका काम कानून तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम और आप बैठ करके सड़कों पर झंडे लेकर के ये तय नहीं करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। और उस समय में प्रधानमंत्री जी का इस तरीके का बयान आना कि आप दलितों को मत मारिए मुझे गोली मार दीजिए, मुझे हैरान करता है कि प्रधानमंत्री जी आप इस देश के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के आप प्रमुख हैं, नेता हैं, और आप इतने कमजोर हैं, कहाँ चला गया आपका 56 इंच का सीना कि आप लोगों को कह रहे हैं गोली मार देगा? क्यों किसी को कोई गोली मार देगा? क्या हमने इसी तरीके के समाज की कल्पना की है जहाँ इंसान इंसान को गोली मार देगा? प्रधानमंत्री जी, ना आपको कोई गोली मारेगा ना किसी आम इंसान को कोई गोली मारेगा। हमको ऐसा समाज बनाना है, हमको हिंसा मूलक समाज नहीं, हमको शांति प्रिय समाज बनाना है। इसीलिए आप ये चालाकी करना बंद कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि हमारे घर में चोरी हो गई हो और थानेदार के पास हम रिपोर्ट लिखाने जाए तो थानेदार गाँव में आकर के कहे कि आप इनके घर में चोरी मत कीजिए, हमारे घर में चोरी कर लीजिए। ये काम थानेदार का नहीं होता है। थानेदार का काम है कि समाज के अंदर कुछ गलत हुआ है, उस गलत को रोकना है। अगर वो काम रोकने में सक्षम नहीं है तो आप बार बार कहते हैं कि हम बेहतर समाज बनाएंगे। बेहतर समाज बेहतर नैतिक मूल्यों से बनता है। अगर आप अपने आप को इस देश का सबसे बेहतर नेता बनाना चाहते हैं तो लीजिए जिम्मेवारी लाल बहादुर शास्त्री की तरह, जब वो रेल मंत्री थे, रेल की दुर्घटना होने पे इस्तीफा दे दिया था। अगर आपका देश नहीं संभल रहा है, अगर गौ रक्षकों के नाम पे दलितों की हत्या की जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कश्मीरियों को मारा जा रहा है, दीजिए इस्तीफा। ये एक नैतिकता का सवाल है। जाता है तो आप कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति नहीं करना चाहिए। सही बात है, हम राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं और हमारा काम पढ़ने लिखने का है। लेकिन इस बात को हम बहुत बखूबी समझते हैं कि जब कोई आकर के आपको कहे कि आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो उसी वक्त आपके खिलाफ राजनीति कर रहा होता है। इस बात को हमको समझ में आती है।
अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा काम है कि हम इस देश के संवैधानिक मूल्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और उस संवैधानिक मूल्यों को पढ़ते और समझते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी, कोई झंडा तय नहीं करेगी, कोई विचारधारा तय नहीं करेगा, इस देश का संविधान तय करेगा। और अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच में गौ माता के प्रति आपका प्रेम उमर रहा है, तो हम ये सवाल आपसे उठाना चाहते हैं कि जो लोग गौ कसी कर रहे हैं, मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इस मंच से खड़े तौर पर होकर बोलना चाहता हूँ कि जो लोग गौ कसी कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर इस देश में जनता का सेंटिमेंट है, और आप अगर उस सेंटिमेंट को डेमोक्रेटिक तरीके से जमहूरियत की बुनियाद पे एड्रेस करना चाहते हैं, तो आप एक सर्वे कराइए, पूछिए हिंदुस्तान के लोगों से कि गौ कसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि गौ कसी नहीं होनी चाहिए, बैन लगाइए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम जो कूचड़ खाने हैं उसको बंद कीजिए, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन हमको मालूम है कि इस देश में होता क्या है, इस देश में हमेशा बात को पलट दिया जाता है। सिगरेट पीने से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसीलिए अगर आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पिएंगे तो आपको 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है उसके साथ बैठ करके रात को डिनर किया जाएगा। हम कहते हैं कि कोई चीज़ गलत है तो सबके लिए गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे बिहारी हो या कश्मीरी हो, वो सबके लिए गलत है। हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप करें तो सही सही और हम करें तो गलत गलत, ये नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जी का बयान जो आया है, उस बयान को आप देखिए कि किस तरीके से समाज को एक बार फिर से बांटने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बादशाह लोग गाय लेकर के युद्ध में जाते थे, और राजा और बादशाह की जो लड़ाई होती थी उसमें राजा हार जाते थे। मतलब ये उसी तरीके का बयान है कि उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद एक हिंदू प्रधानमंत्री बना है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो मुसलमान इस देश के नहीं हैं। मोदी जी, मालूम है कि आप इतिहास में फेल हो गए थे, और आपकी डिग्री पढ़ती होना वो आपका मार्कशीट जो आया है उसमें साफ साफ पता चलता है कि आप इतिहास के बड़े कमजोर विद्यार्थी रहे हैं। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, हम भी फेल होकर के पास हो जाते हैं, लेकिन गलत बात यह है कि जब आप इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत रख करने की जिम्मेवारी उठा लेते हैं। हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि सोए इंसान को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसका आप क्या कर लीजिएगा। तो जो इतिहास ना जानता हो उसको इतिहास बताया जा सकता है, और जिसने इतिहास तोड़ने की जिम्मेवारी ले ली हो उसको आप इतिहास नहीं बता सकते हैं। तो मैं उनको इतिहास जब बताता हूँ तो उनको नहीं, इस देश की जनता को बताता हूँ कि इस देश के अंदर राजा हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने शासन किसी भी प्रजा के ऊपर किया है और शोषण किसी भी प्रजा के ऊपर किया है। राजा का धर्म मायने नहीं रखता, राजा का शोषण मायने रखता है। इसीलिए राजा के धर्म के आधार पे आज प्रजा के ऊपर अत्याचार करना बंद कीजिए। बाबर की गलतियों का सजा जुम्मन मियां से नहीं लिया जा सकता है, और ये जो समाज की संकल्पना है, इस संकल्पना को हमको बार बार जिंदा करना है, और इतिहास को जो तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की जानी है, तो हमको उस सेक्युलर क्रेडेंशियल को बचाना है, उसको क्लेम करना है जिसके इतिहास में यह बात निकल करके आई थी कि जब हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग हार गई थी और कांग्रेस को लोगों ने वोट दे करके जिताया था। इसीलिए इस देश के अंदर जो मुसलमान रहे हैं वो इस मिट्टी के हैं, यही के हैं, और इनको आप बाहरी बता करके इनके खिलाफ राजनीति बंद कर कीजिए। और जो आतंकवाद का हवा खड़ा करके निर्दोष लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है, यह करना बंद कीजिए। हमारे सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो भुखमरी और गरीबी का चैलेंज है। हमारे सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो समाज के अंदर गैर बराबरी का चैलेंज है, और उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के खड़े हो जाएंगे। जहां तक मसला है मांस का, खाने या ना खाने का, मांस को प्रोड्यूस करने और ना करने का, इसका फैसला इस देश की संसद करेगी, इस देश की विधानसभा करेगी। ये तय नागपुर के संघ कार्यालय में नहीं होगा, अगर ये होगा तो देश के संविधान के हिसाब से होगा, मनुस्मृति के हिसाब से नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को एक बार पुनः शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया इंकलाब जिंदा।